लास्ट टाइम हमने एक गाना रिया किया था प्रीतम हसन का। प्रीतम हसन की मैं बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, मुझे उनके गाने। तुमको याद है मैंने जब रिया किया था, वो थोड़ा हॉरर था, वो थोड़ा चुड़ैल थी उसमें। उसके नीचे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि वो तो पार्ट टू है या पार्ट वन है, वो प्रीक्वल है। तो हम आज मोरे जाग सुनने वाले हैं। मोरे जाग के बारे में मैंने जितना भी सर्च किया है, वो कह रहे हैं ये इट्स अहेड ऑफ इट्स टाइम, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स लाइक रेवोल्यूशनरी। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा नर्वस हूँ कि अगर मैंने उसको सही से पिक ना किया तो क्या बनेगा मेरा। मगर ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार नहीं हुआ कि मुझे कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक समझ नहीं आया जो कि आई वॉज सपोज टू अंडरस्टैंड। मगर हम लोग मोरे जाग सुनने वाले हैं। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम प्रिटी मच प्रिपेयर्ड। बट अगर ये हॉरर हुआ तो फिर वी आर डन। यू आर नो लॉन्गर इन अ पोजिशन टू सजेस्ट मी और रिकमेंड मी एनी सॉन्ग, किसको सुन ले, इसको रिएक्ट करें, नो थैंक यू, वी आर डन। मुझे प्रीतम हसन पसंद है। हाँ, मुझे प्रीतम हसन पसंद है। उनकी बीवी ना वीडियो देख रहे हैं। नो नो, नॉट लाइक दैट। मुझे प्रीतम हसन की आवाज़ बहुत पसंद है। मैं आई डोंट वॉन्ट टू, आई कांट इवन बिगेन टू टेल यू कि उनकी आवाज़ किस तरह साउंड करती है। इट्स वन इन अ मिलियन। एक इतनी टचिंग आवाज़ है, इतनी, इट्स गॉड, इट्स गॉड, इट्स सेंसेशनल। गोइंग इन 3, 2, 1। सब कुछ डार्क क्यों है? एडम और ईव है। क्या इन्हीं से शादी हुई उनकी? स्टोरी में इंटरेस्ट लिया जाए या म्यूजिकली उसको सुना जाए। दो बार सुना है।
जितनी चीज़ें हमें कम समझ आती हैं ना, उसमें हमारी भलाई होती है। और मैं बिल्कुल वीडियो के बारे में बात नहीं करूँगी, मुझे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। भाई चुड़ैल का क्या काम है? नहीं, आपकी मेरी ज़िंदगी में चुड़ैल क्यों आए? आई डोंट नो। हम लोग गाना दोबारा सुनेंगे और मैं तुमको बताऊँगी गाना कानों में कितना अच्छा लगता है और म्यूज़िकली इट्स लाइक हाउ गुड इट इज़ और कितना ये बड़ा मास्टरपीस है, कितना सेंसेशनल है और ये कितना खूबसूरत गाना है। हम इस बारे में बात करेंगे, हम वीडियो के बारे में बात नहीं करेंगे, सॉरी। मैजिक स्पेल लग रहा है। Chalet मैं बिल्कुल लिरिक्स में नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो में नहीं जाऊंगी, मैं आपको इस गाने को पिछले गाने से कंपेयर कर देती हूँ।
क्योंकि मेरे मुझे यही आ रहा है हम भी पिछला गाना वाज इमोशनल, इट वाज वेरी, उसमें बहुत सारी फीलिंग्स थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी. दिस सॉन्ग इज हाई की, थोड़ा अपबीट है, थोड़ा लाउड है, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा पॉप है, थोड़ा ग्रूवी है, थोड़ा लाउड है, थोड़ा इंजॉयबल फैक्टर है उसमें. इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है. पिछला गाना वॉज लाइक इट वॉज मेकिंग यू इमेजिन स्टफ, इट वॉज मेकिंग यू फील स्टफ. इट वॉज ऑल्सो अबाउट ऑटम सीजन के बारे में था, और उनकी लड़की उनसे चली जाती है. इट वॉज अबाउट द लॉस, समवन ही हैड लॉस्ट. और इस गाने में वो थीम ये है कि ही इज डांसिंग विद द लव. अभी वो लड़की कुछ गया नहीं है, कुछ बदला नहीं है, कुछ उन्होंने फेस नहीं किया है, बल्कि ही इज़ इन लव. जिसका मतलब होता है कि आपकी हॉर्मोन्स पीक पे होता है, आपका दिमागी, आप बहुत अलर्ट होते हो, आप बहुत ही लाइक यू आर डांसिंग ऑन योर फील. तो वो थोड़ा फील है गाने का, थोड़ा हाई बीट, थोड़ा इंजॉयबल सा गाना है, क्योंकि इज़ इन लव. ओके, मगर खूबसूरत है. मुझे राइमिंग सुनाई दे रही थी, मुझे खूबसूरती सुनाई दे रही थी, मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी. ऑब्वियसली प्रीतम हसन इज़ लाइक, वो वोकली बहुत एलीट है. प्रीतम हसन के अगर आपने गाने सुने हैं तो उनकी आवाज़ इज़ रियली अ गिफ्ट, इट्स रियली समथिंग. कुछ लोगों की आवाज़ें होती हैं ना वो गाने के लिए, वो गाने के लिए पैदा होते हैं, और कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी होती हैं कि अब वो गाने के लिए नहीं पैदा होते, मगर वो उनसे गाना निकालते हैं, वो बस गाते हैं, वो गाएंगे. मगर प्रीतम हसन की आवाज़ ऐसी है कि वो गाने के लिए बने थे, और अगर वो आम बोलेंगे भी तो उनकी आवाज़ बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी है. मुझे मज़ा आया गाना सुन के, गाना देख के. मैं आई कांट से द सेम फॉर दैट. आई सी यू एज द नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कर दो सजेस्ट यार, कोई अच्छी चीज़ कर दो जिसकी लिरिक्स, जिसका सब टाइटल्स हो. इसकी सब टाइटल नहीं है और लिरिक्स वाली वीडियो भी नहीं है. I'll see you guys the next one. Bye. Subscribe this one. Follow me on Instagram, Diamond Namuna. Oh, bye. Good night. Love you.